नमस्कार, हाई डॉक्टर चैनल में आप सबका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिले हर वीडियो सबसे पहले। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। पीरियड्स में मास्टरबेशन या हस्तमैथुन करने से महिलाओं को कई लाभ मिलते हैं। इसे लेकर कई तरह के मिथ बाजार में फैलाए गए हैं, लेकिन यकीन मानिए, बार बार की रिसर्च से ये प्रूव हो गया है कि महिलाओं द्वारा पीरियड्स के दौरान किए मास्टरबेशन से उन्हें बहुत लाभ मिलते हैं। बस कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीरियड्स के दौरान मास्टरबेट करने से होने वाले क्रैम्प्स और उसके दर्द से राहत मिलती है। अक्सर आपने पीरियड्स के दौरान लड़कियां और महिलाएं सेल्फ केयर के लिए कंफर्टेबल पजामा, हॉट बैग, रोल ऑन कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट, आइसक्रीम या फिर अपनी फेवरेट चीज़ें करना पसंद करती है। लेकिन अगर आपने अभी तक पीरियड्स के दौरान खुद को नहीं छुआ है तो आप यहाँ बहुत बड़ी चूक कर रही हैं, क्योंकि जानकारी मिलने के बाद भी अनजान बने रहना आपके लिए ठीक नहीं। अगर आप पहली बार पीरियड्स के दौरान मास्टरबेशन करने का कॉन्सेप्ट सुन रही हैं तो हो सकता है कि आपको ये अजीब लगे, लेकिन कई गायनेकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट और महिलाओं की इंटीमेट हेल्थ पर किताबें लिख चुकी शेरी रॉस का मानना है कि यह महिलाओं के लिए एक हेल्दी प्रैक्टिस है। चलिए अब आपको बताते हैं पीरियड्स में मास्टरबेशन करने के फायदे। पहला फायदा, पीरियड्स क्रैम्प कम हो जाते हैं। पीरियड्स में हस्तमैथुन एक पेन किलर की तरह काम करता है, जिससे आपकी माहवारी पहले के मुकाबले आरामदायक हो जाती है। रॉस कहती हैं, मास्टरबेशन पीरियड्स में आने वाली ऐंठन और पीठ दर्द से लेकर सिर दर्द और जोड़ों के दर्द तक हर दर्द में राहत देने में मदद करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑर्गेज्म के दौरान महिलाओं का शरीर डोपामाइन और सीरोटोनिन नाम के हार्मोन छोड़ता है। ये हार्मोन महिलाओं के लिए एक नेचुरल पेन किलर के रूप में काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हस्तमैथुन से जुड़े मिथ और टैबू भारतीय महिलाओं को मास्टरबेशन करने में अनकंफर्टेबल कर देते हैं। इसलिए शेरी रॉस कहती हैं कि हस्तमैथुन पूरी तरह से सुरक्षित भी है और सामान्य भी। इसके अलावा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि पीरियड्स के दौरान मास्टरबेट करना किसी के लिए हानिकारक है। बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर का कहना है कि मास्टरबेशन एंडोर्फिन नाम का फील गुड केमिकल छोड़ता है, जो महिलाओं को तनाव, पीरियड क्रैम्प और शरीर के हर तरह के दर्द से राहत देता है। दूसरा फायदा, एक बेहतर नींद। ऑक्सीटोसिन छोड़ने के अलावा यह मेलाटोनिन नाम का रसायन रिलीज करता है, जिससे नींद गहरी और पहले से बेहतर हो जाती है। ऑर्गेज्म से प्रोलैक्टिन नाम का एक केमिकल भी शरीर में पैदा होता है और यह महिलाओं को एक बेहतर और लंबी नींद देता है। तीसरा फायदा, पीरियड साइकिल छोटी हो जाती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। जब महिलाएं मास्टरबेशन करती हैं तो उनका यूट्रस सिकुड़ जाता है, और जब यूट्रस सिकुड़ता है तो यह महिलाओं की यूट्रस लाइन को अपने आप बाहर आने के लिए तेजी से बाहर की ओर धकेलता है, जिससे आपकी पीरियड साइकिल अपने आप छोटी हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि आपको मास्टरबेशन करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है। पहला, मददगार है लुब्रिकेंट जेली। अपने पीरियड्स में मास्टरबेशन को अधिक आनंददायक बनाने के लिए लुब्रिकेंट जेली का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हस्तमैथुन शुरू करने से पहले होने वाले किसी भी तरह के इन्फेक्शन को रोकने के लिए अपने हाथों और वस्तुओं को अच्छी तरह से साफ कर लें। टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल। अगर आप टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल कर रही हैं तो आप हस्तमैथुन कर सकती हैं। यदि आप त्वचा में जकड़न और जलन महसूस कर रही हैं तो लुब्रिकेंट जेली का इस्तेमाल करना बहुत मददगार होगा। टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप उस पानी को सोख लेते हैं जो मास्टरबेशन को लगातार जारी रखते हैं। दाग धब्बों से बचना। अगर आपके पीरियड का ब्लड फ्लो बहुत तेज़ है और आपको दाग की चिंता रहती है तो आप नीचे तौलिया या शावर रखकर हस्तमैथुन कर सकती हैं। शावर हेड या वाटर स्ट्रीम भी ऑर्गेज्म में मदद कर सकते हैं, लेकिन अभी भी योनि में पानी का छिड़काव ना करें। योनि को अंदर से पानी या साबुन से धोना, जिसे डूशिंग कहा जाता है, ये नहीं करना चाहिए। ऑर्गेज्म के बाद डिस्चार्ज होने से योनि अपने आप ही साफ हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम विषयों को और बेहतर तरीके से आपके सामने ला सकें। धन्यवाद।